हेलो फ्रेंड्स, क्विक रिकॉलिंग ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टॉपिक्स बाय माइंड मैप सीरीज में आप सबका स्वागत है। जी हाँ, ये माइंड मैप सीरीज का 6th लेक्चर है और इसमें हम आज जानेंगे डीएनए डबल हेलिक्स को स्टेबलाइज करने वाले फोर्सेस के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि डीएनए के जो डबल हेलिक्स है उनको कौन कौन से बॉन्ड कौन कौन से फोर्सेस स्टेबलाइज करती हैं। तो देखते हैं, तीन तरह के इंटरेक्शन मेनली जो होते हैं, तीन तरह के फोर्सेस जो हैं वो डीएनए को स्टेबलाइज करने में हेल्प करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये तीनों होते हैं। पहला हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, दूसरा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होते हैं और तीसरे जो होते हैं वो आयनिक इंटरेक्शन होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स कैसे स्टेबलाइज करता है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो बेस पेयर्स होते हैं, वो किसकी हेल्प से जुड़े होते हैं? ए जो होता है डबल बॉन्ड टी से और जी जो होता है डबल बॉन्ड सी से। और इस तरह से जो डबल हेलिक्स है, जो डबल साइड चेन है, वो एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, एक दूसरे से अलाइन होते हैं, तो उनमें स्टेबिलिटी आती है हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से। ठीक है, इस बेस पेयरिंग की वजह से। उसके बाद दूसरा नंबर आता है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन का। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कहाँ पाए जाते हैं? कोर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल में। हम सब जानते हैं कि डीएनए में जो है वो हेलिक्स के स्ट्रक्चर में पाया जाता है। ठीक है, तो जब हम हेलिक्स को ऊपर टॉप व्यू से देखेंगे तो हमें एक कोर दिखाई देगा। ठीक है, तो ये कोर ऑफ डीएनए में क्या होता है? कोर ऑफ डीएनए में ये बेस पेयर्स होते हैं। ठीक है, बेस पेयर का स्टैक है, मतलब एक नाइट्रोजनस बेस के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, चौथे के ऊपर पांचवा, और ये स्टैक में एक दूसरे के ऊपर अलाइन रहते हैं, है ना, और एक कोर बनाते हैं, डीएनए का कोर बनाते हैं। तो ये जो बेस पेयर स्टैक्स हैं वो किसे इंटरेक्ट करते हैं? पाई पाई इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन होता है। इन बेस पेयर्स के बीच में जो होता है आपस में पाई पाई इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन होता है, जिसको हम वांडर वाल इंटरेक्शंस भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये क्या है? एक तरह से वांडर वाल्स इंटरेक्शंस है। जो पाई पाई इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन है वो वांडर वाल इंटरेक्शन है, और ये जो वांडर वाल इंटरेक्शन है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है डीएनए को स्टेबलाइज करने में। ठीक है, तो अगर कभी कहीं कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि डीएनए को सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज कौन सा फोर्स करता है, तो वो हो जाएगा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन या वांडर वाल इंटरेक्शंस। ठीक है, या पाई पाई इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन। तीसरा जो इंटरेक्शन है वो है आयनिक इंटरेक्शन। आयनिक इंटरेक्शन कब होता है? आयनिक इंटरेक्शन होता है डीएनए के बैकबोन से। डीएनए के बैकबोन कहने से हमें क्या मतलब है? हम सब जानते हैं कि डीएनए का बैकबोन जो है वो बना होता है शुगर और फॉस्फेट से। ठीक है, बीच में क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, है ना। जो बैकबोन होता है उसमें शुगर और फॉस्फेट, शुगर और फॉस्फेट ऐसे करके एक दूसरे से अटैच होते हैं, तो ये बैकबोन होता है। जो साइड चेन्स होते हैं, जिनको हम साइड चेन बोलते हैं, वो बैकबोन होता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये फॉस्फेट ग्रुप है, उस पर जो निगेटिव चार्ज होता है ना, हम सब जानते हैं कि ये जो फॉस्फेट ग्रुप है उस पर डबल निगेटिव माइनस चार्ज होते हैं, है ना, डबल निगेटिव चार्जेस होते हैं। तो एक निगेटिव चार्ज के ऊपर दूसरा निगेटिव चार्ज, दूसरे के ऊपर तीसरा निगेटिव चार्ज, ऐसे करके बहुत सारे निगेटिव चार्जेस जब एक साथ अलाइन हो जाते हैं एक ही बैकबोन में, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब रिपेल करते हैं तो जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो, अगर वो सपोज कि वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो क्या होता? डीएनए ऐसा कोलैप्स हो जाता। लेकिन जबकि क्योंकि वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वो सारे जो फॉस्फेट हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो डीएनए का जो बैकबोन है वो अपनी जगह अलाइन रहता है, ये इसको और ये इसको इधर। ठीक है, इस तरह से रिपेल करता है और इस वजह से ये डीएनए का बैकबोन जो है वो अलाइन होता है। ठीक है, तो हम जान गए कि फोर्सेस जो है डीएनए को स्टेबलाइज करने में वो तीन फोर्सेस हैं। पहला है हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन और तीसरा है आयनिक इंटरेक्शन। और सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट करता है डीएनए के को स्टेबलाइज करने में वो होता है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, इसको अदरवाइज हम कह सकते हैं पाई पाई इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन, और एक ब्रॉड वे में हम बोल सकते हैं कि ये वांडर वाल इंटरेक्शंस हैं।
ठीक है, तो इस माइंड मैप सीरीज में आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।